पटाक फक्त 30 सेकंदात बातमी डाउनलोड करा तक ऐप डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंकवर आताच क्लिक करा। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। यहां से आपको गांव जाने के लिए किसने कहा? जी किसी ने नहीं कहा जी, मजबूरी थी जाने के लिए। नहीं, हमको जाने के लिए कोई नहीं कहा, यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था दी गई हमको। मागच्या 2-2.5 वर्षाच्या काळामध्ये कोरोना महामारीने जे सगळ्या लोकांना त्रस्त करून ठेवलेलं आहे, यामध्ये एक जे दृश्य दिसलं की मोठ्या संख्येने जे मजूर वर्ग आहे, खास करून जे उत्तर भारतात राहतात, असे लोक वेगवेगळ्या शहरातनं आपापल्या गावी जात होते। असेच काही लोक आपल्यासोबत पुण्यात आहेत, जे पुण्याच्या ससून रुग्णालयाच्या जवळ स्टेशन रोडवरती इथे एक ठेला आपल्याला दिसतोय। उत्तर भारतीय इथे मजदूर वर्ग इथे जे ठेल्यावरती काम करून जे रोजच्या रोज आपलं कमाई करतात आणि त्यांचा अनुभव काय, 2 वर्ष कसे गेले आणि जाताना पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये त्यांना घरी जे जावं लागलं त्याचं कारण काय, त्यांना इथे कोणी फोर्स केलं, कोणी रेल्वेची तिकीटं काढून दिले की स्वतःहून गेले, त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया। जी आपका नाम बताओ? सर तुलदीप सिंह। कहाँ के रहने वाले? फैजाबाद यूपी लखनऊ। ये बताओ कि जो पहला लॉकडाउन लगा उस वक्त की क्या आपकी यादें हैं, आप यहीं पे थे या आपको अपने घर लौटना पड़ा? सर पहला ऐसा हुआ, पहले मैं तो सिर्फ यहीं पे रहने के लिए, मैंने तो मुश्किल हुआ यहाँ पे रहने के लिए, मैंने तो घर पे जाने तो मिला। हाँ जाने तो ऐसा हुआ, मैंने पैदल जा रहा था, मेरे पास से जो आपने घर पे जाने का तय किया वो क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं इतने खाने तो नहीं पीने तो नहीं, तो सिर्फ पास यहीं पर रहता था और बाहर निकलते थे पुलिस वाले मारते थे यहाँ पे हम तो, इसलिए हम ऐसा हुआ हम पैदल यहाँ से निकल पड़े। जेब में 1000 रुपये था तो रास्ते में वो भी छीन लिए, पाटिन मार लिए, मोबाइल में चार्ज नहीं था, 1 महीना था ऐसे चले जाए चार्जिंग, तो इसलिए हमारे घर पे फोन नहीं कुछ नहीं, ऐसा हम भरत दे ऐसा मुश्किल हुआ जाने तो घर पे। यहाँ पे जो हालात हो गए थे पुणे शहर में, तो घर पे जाने के बगैर कोई चारा नहीं था, कोई इलाज नहीं सर, घर पे जाने तो पड़ा। यहाँ पे परेशान थे? यस सर परेशान, बिल्कुल खाने को नहीं मिला? नहीं सर, पानी में मिलता था वो एक दिन मिलता था, हाँ दूसरे दिन खाने तो नहीं कुछ नहीं, पानी पीने तो जी जीने तो नहीं कुछ। हम यहाँ से चल के गए, 1 महीना 20 दिन लगे, पूरा पैदल गए, ट्रेन से नहीं गए? ट्रेन से नहीं, बस से नहीं, सिर्फ पैदल ही गए थे। केंद्र सरकार तो कह रही है कि तकरीबन 500 ट्रेन का इंतजाम किए थे अलग अलग वक्त में, अगर ट्रेन का करीब किए होते तो हम लोग टिकट भी निकाल के जा सकते थे, अभी टिकट ट्रेन भी नहीं था, ट्रेन टिकट भी नहीं था, हम चल के गए यहाँ से। अदीब आपके साथ क्या हुआ था 2 साल पहले? हमारे साथ यही हुआ था, जैसे भी लॉकडाउन में मतलब कि यहाँ कोरोना है, हम लोग यहाँ से कारोबार मतलब काम धंधा अपना कर रहे थे अच्छे से, यहाँ पे अचानक सुनाई दिया कि कोरोना आ गया, कोरोना मतलब लॉकडाउन लगने वाला है, तो हम सोचे मतलब ऐसा ही होगा कुछ, फिर धीरे धीरे 1 महीने का 15 दिन का हो गया, फिर यहाँ से हमको मतलब जाना पड़ा, यहाँ खाने पीने का तो पूरी व्यवस्था थी हमारे, लेकिन यहाँ हम कब तक बैठते, घर वाले हमारे माँ बाप सब परेशान हो रहे थे। खुद होकर गए यहाँ से या यहाँ से आपको जाने के लिए लोगों ने कहा? नहीं, हमको जाने के लिए कोई नहीं कहा, यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था दी गई हमको, हमको बोला जितने दिन रुको, रुक सकते हो उतने दिन रुको, लेकिन वहाँ घर के माँ बाप बुला रहे थे यहाँ पे जल्दी आ जाओ, मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं, हम गरीब मजदूर आदमी वहाँ खेत पे जाके कुछ काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वही हमारे घर पे, बाकी हमारे पास कुछ नहीं। घर पे गए तो यहाँ से कोरोना लेकर गए, वहाँ पे कोरोना फैल गया क्या? नहीं, यहाँ वहाँ गांव में कुछ भी नहीं था ना यहाँ पे था, यहाँ तो सिर्फ लोगों के दहशत फैल गई थी, डर फैल गए थे कि कोरोना है, कोरोना भी हमको क्या, हमको आज भी नहीं मालूम पड़ा कोरोना क्या है। हम कोरोना हुआ कि नहीं हुआ हमारे गांव में किसी को नहीं, हमारे गांव में 24,000 जनता है, 24,000 का वाटर, हमको किसी को मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ। सबको कोरोना हुआ? नहीं ना, जो 2.5 साल में आपको कोरोना नहीं? नहीं कोई बात नहीं, हमको ऐसा कोई सामने आए नहीं कि किसी को कोरोना हुआ है। आपका नाम बताओ? जी मेरा नाम इंद्र बहादुर सिंह है जी, यूपी से, यूपी के प्रतापगढ़ जिले से हूँ जी। यहाँ से आपको गांव जाने के लिए किसने कहा? जी किसी ने नहीं कहा जी, मजबूरी थी जाने के लिए, यहाँ पे कोई काम धंधा रोजगार नहीं बचा था, बैठ के कितने दिन खाते, फिर घर वाले भी परेशान थे, बीवी बच्चे परेशान थे, सब बोल रहे थे कि कोरोना फैला है, दहशत थी एक, इसके वास्ते जाना पड़ा जी। बस भी मिलता था, नहीं मिलता था तो हम लोग पैदल भी चलते थे, थोड़ा बहुत बस भी मिलता था, मतलब गाड़ी छोटा मोटा 2-व्हीलर में कोई बैठाया, नहीं तो पैदल चलते थे, रात को 12-12 बजे तक चलते थे।
तो इथे आपण बघत आहात की आरोप प्रत्यारोप सुरू आहे, कारण काय आहे लॉकडाऊनच्या नंतर स्थलांतरित होण्याचं, याच्यावरून आता घमासान सुरू आहे, लोकांना कन्फ्युजन आहे का, हा एक मोठा प्रश्न। पण जी वस्तुस्थिती आहे जी आपण ऐकलीत की लोकांना काही उपाय नव्हता, लॉकडाऊन तीव्र होतं, रस्त्यावर येणं शक्य नव्हतं, जर लोक आले तर त्यांना पोलिसांचा सामना करावा लागायचा, घरी किती वेळ बसून राहू हा त्याच्यासमोर मोठा प्रश्न होता। म्हणून हे जे सगळे मजूर वर्गले लोक आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की नाईलाजानी त्यांनी त्यांच्या घरी जाण्याचं ठरवलं, आणि मग कोणी पायी तर कोणी गाड्यांनी कोणी ठेल्यांनी, तर मग नंतर ज्या प्रकारे रेल्वेची व्यवस्था केली गेली तर मोठ्या संख्येने रेल्वेनी पण सुद्धा मजूर वर्ग आपापल्या गावाला जाताना दिसत होते। कॅमेरा गोपाल हरणे, समीर शेखसह पंकज खेळकर, पुणे मुंबई तक।